हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का 10 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं, आप लोग अपने पुस्तक में इस प्रॉब्लम को गौर से देखें और समझने का कोशिश करें। बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। द सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। यहाँ तीनों का एज हमको जो यहाँ गिवन है उसके मुताबिक तीनों का एज हमें फाइंड आउट करना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर 11। यहाँ बैचों सबसे छोटा है और उसी को बेस बनाकर हम लोग उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर का एज फाइंड आउट करेंगे। तो बैचुंग्स के एज को हम लोग सपोज करेंगे, है ना, और उसके बाद जो जो कंडीशन दिया गया है उसके आधार पर इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट एज ऑफ बैचुंग इक्वल टू एक्स, और प्रॉब्लम में कह रहा है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स। जो उसका फादर है वो बैचुंग्स से 29 ईयर्स बड़ा है, ओल्डर है। तो अब इस सपोजिशन के आधार पर हम बैचुंग्स के फादर का एज निकालते हैं। देयरफोर एज ऑफ बैचुंग्स फादर क्या हो जाएगा, x प्लस 29, और उसके ग्रैंडफादर का एज क्या है, है ना, ग्रैंडफादर का एज ये पहला दिया हुआ है। बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बैचुंग्स के ग्रैंडफादर से बैचुंग्स का जो फादर है वो 26 ईयर छोटा है। तो यानी कि ग्रैंडफादर उसका बैचुंग्स का जो हम लोग उसके फादर का जो एज यहाँ पर सपोजिशन के आधार पर निकाले हैं उसमें हम लोग 26 ईयर्स जोड़ देंगे तो बैचुंग्स के ग्रैंडफादर का एज निकल जाएगा, क्योंकि वो 26 ईयर्स जो है 26 साल उसके फादर से बड़ा है। तो सो एज ऑफ बैचुंग्स ग्रैंडफादर ये क्या हो जाएगा, उसके फादर का एज जो हम लोग जस्ट अभी निकाले हैं सपोजिशन के आधार पर उसमें 26 ईयर्स जोड़ देंगे, यानी इजकल टू एक्स प्लस 29 प्लस 26, ये क्या हो गया एक्स प्लस 55। ये उसके ग्रैंडफादर का एज सपोजिशन के आधार पर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीनों के एज का सम टोटल 135 है। अब यहां लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो तीनों फाइंडिंग है सपोजिशन के आधार पर इसका सम टोटल करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 इजकल टू क्या हो जाएगा,
135, यह एक इक्वेशन हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन के आधार पर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ 3x है तो ये अगले स्टेज में क्या हो जाएगा, 3x, और 29 और 55 को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 and 5, 14 और 1, 3, 8, 84 = 135। और अब ये 84 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, 3x इधर LHS साइड ही रहने देंगे, 135 - 84, इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा, 1 एंड ये कितना हो जाएगा, ये 5, यानी 51, यानी 3x = कितना हो गया, 51। इस तरह से हमें x का वैल्यू यहाँ पर 51 को 3 से ये डिवीज़न होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीज़न हो जाएगा, ये क्या हो गया, 17। x का वैल्यू हमें 17 निकल गया। तो 17 किसका एज हो गया, x हमने मान रखा है बैचुंग्स का एज। तो इस तरह से यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे x का, है ना, नाउ लिखेंगे, नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ x। तो देयरफोर यहाँ निकल गया एज ऑफ बैचुंग, पहला बैचुंग का x हमने मान रखा है तो x का वैल्यू पुट किए तो 17 इयर्स, ये 17 इयर्स एज किसका होगा, बैचुंग्स का। उसके बाद उसके फादर्स के एज में जो है, जो सपोजिशन के आधार पर जो हमने निकाल रखा है उसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, है ना। अब दूसरा निकालेंगे एज ऑफ बैचुंग्स फादर, ये कितना है, x प्लस 29, तो x का वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा, 46 ईयर्स, है ना, इसके फादर का एज जो है 46 ईयर्स हो गया। अब उसी तरह से एंड एज ऑफ बैचिंग्स ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा, सपोजिशन के आधार पर हमने निकाल रखा है x प्लस 55, तो x प्लस 55 पहले लिखेंगे फिर x का वैल्यू पुट करेंगे और 55, ये दोनों का कितना हो गया ऐड करने के बाद, ये 72 ईयर्स, उसके ग्रैंडफादर का एज 72 हो गया, उसके फादर का 46 और बैचुंग्स का 17 ईयर्स। तो ये तीन आंसर हमें प्राप्त हो गया, 17 ईयर्स, 46 ईयर्स एंड 72 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, तीनों के एज बैचुंग्स, उसके फादर्स, उसके ग्रैंडफादर्स का हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। थैंक यू वेरी मच।